वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल करें जो कि Redmi Note 7 में और यहाँ पे मेथड जो है Redmi Note 7 और यहाँ पे 7S में भी वर्क होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 12.0.1.0 एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। 1 अक्टूबर का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो ये ग्लोबल वर्जन है लेकिन यहाँ पे इंडियन वर्जन में भी वर्क होगा, जो कि अगर आपके पास इंडियन वर्जन है तो इंडियन वर्जन में भी वर्क होगा। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि ऑरेंज फॉक्स रिकवरी कैसे इंस्टॉल करें और रूट कैसे इंस्टॉल करें उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जो कि यहां पे विदाउट डेटा लॉस के आप बेशक यहां पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे बूटलोडर अनलॉक कर लेना होगा, जो कि अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी बूटलोडर अनलॉक कर चुके हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस स्टेप फॉलो कर लेना है, जो कि फर्स्ट आपको यहाँ पे अपने डिवाइस को फास्ट बूट मोड में बूट करना है। तो फास्ट बूट मोड में जाने के लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद जो आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा फास्ट बूट मोड में, तो देख सकते हो डिवाइस आ चुका है फास्ट बूट मोड में। उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे पीसी से कनेक्ट कर लेना होगा, जो कि देख सकते हो मैं मेरे डिवाइस को यहाँ पे पीसी से कनेक्ट कर चुका हूँ। और पीसी से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आना पीसी में, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं आ चुका हूँ पीसी में। पीसी में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, उसके बाद मैजेस मैनेजर जिप, मैजेस मैनेजर एपीके, रूट चेकर एपीके, सभी को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे तीनों रूट के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे आपको रूट करना है तो तीनों को भी डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म टूल को एक्सट्रैक्ट टू कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को भी एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि दोनों का फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म टूल इसका फोल्डर ओपन करना है, इसके अंदर और एक फोल्डर है इसको भी यहाँ पे ओपन करना है। और यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करके CMD टाइप करके इंटर करना है और यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और ये जो फोल्डर है प्लेटफॉर्म टूल का इसको क्लोज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है नहीं है, अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करके इंटर करना होगा, जो कि एक रैंडम नंबर देख पा रहे हो। उसके बाद फास्ट बूट से एक डिवाइस कनेक्टेड है, इसका मतलब आपका डिवाइस यहाँ पे पीसी से कनेक्टेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है जो कि फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, जो कि देख सकते हो फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी स्पेस, उसके बाद जो रिकवरी है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इसको ओपन करना है। इसके अंदर रिकवरी है उसको ड्रैग करना है, यहाँ पे लाके छोड़ देना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है, जो कि यहाँ पे रिकवरी फ्लैश हो जाएगा। तो देख सकते हो रिकवरी फ्लैश हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस में आना है, डिवाइस में आने के बाद पावर की प्लस वॉल्यूम अप की दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज कर देना है, जो कि डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे आपको रिलीज कर देना है। वॉल्यूम अप की को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है, जो कि आपका डिवाइस यहां पे आ जाएगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। तो सिंपल आपको यहां पे वेट कर लेना होगा। तो वॉल्यूम अप की को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है, जो कि देख सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आ चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, मैजेस मैनेजर एपीके, रूट चेकर, ये चारों को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज आपको शो करेगा आपको पीसी में, तो सिंपल आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना होगा। तो देख सकते हो इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे शो कर रहा है, तो इंटरनल स्टोरेज में यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना होगा, जो कि देख सकते हो पेस्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो पीसी का वर्क है यहाँ पे खत्म हो चुका है, सिंपल आपको डिस्कनेक्ट कर लेना होगा अपने डिवाइस को यहाँ पे पीसी से। तो यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है डिवाइस में, डिवाइस में आने के बाद आपको यहाँ पे होम प्रेस करना है और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो जो कि ऑरेंज फॉक्स रिकवरी फर्स्ट इसको यहाँ पे फ्लैश करना है, जो कि फ्लैश होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीबूट होगा। तो सिंपल आपको वेट कर लेना है जो कि डिवाइस बूट होने तक, देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीबूट हो रहा है, तो आपको सिंपल वेट कर लेना होगा। तो देख सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आ चुका है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे रूट इंस्टॉल्ड करना है तो यहाँ पे आपको मैजेस मैनेजर जिप को यहाँ पे फ्लैश कर लेना होगा, जो कि 22 वर्जन यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आता है जो कि मैजेस मैनेजर जिप का। तो यहाँ पे इसको सिंपल फ्लैश कर लेना है, तो यहाँ पे आपको मैजेस मैनेजर जिप इसको यहाँ पे फ्लैश कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो रहा है। तो यहाँ फ्लैश होने तक आपको सिंपल वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको रीबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा जो कि डिवाइस बूट होने तक।
तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस बूट हो चुका है और यहाँ पे कोई भी डेटा इरेज नहीं हुआ है। सिंपल आपको यहाँ पे पैटर्न अनलॉक कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना होगा जो कि मैजेस मैनेजर और उसके बाद यहाँ पे रूट चेकर APK, दोनों को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना है। दोनों का यहाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। फर्स्ट यहाँ पे मैजेस मैनेजर APK को यहाँ पे इंस्टॉल्ड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे होम प्रेस करना है, जो कि यहाँ पे आपको होम प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे मैजेस मैनेजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा टाइम वेट कर लेना है, जो कि देख सकते हो एक लेटेस्ट आपको यहाँ पे वर्जन का मैजेस मैनेजर देखने को मिल जाता है। उसके बाद रूट चेकर को ओपन करना है। इसके अंदर आप यहाँ पे बेशक रूट को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपल जो है एग्री करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वेरीफाई रूट करना है और यहाँ पे आपको परमिशन अनेबल कर देना है, जो कि इसके बाद आप यहाँ पे रूट को जो है इस्तेमाल कर सकते हो। आपको परमिशन ग्रांट कर देना है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे रूट जो है प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में जाना है तो यहाँ पे पॉ की प्लस वाले मैप की दोनों को यहाँ पे प्रेजेंट होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होते ही पॉ की को यहाँ पे रिलीज कर देना है, जो कि डिवाइस ऑफ होते ही पॉ की को यहाँ पे रिलीज कर देना है। वाले मैप की को यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड रखना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में, जो कि देख सकते हो यहाँ पे विदाउट डेटा लॉस कि आप बेशक यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल्ड कर सकते हो यहाँ पे Redmi Note 7 में। और यहाँ पे यही मेथड जो है Redmi Note 7 ES में भी यहाँ पे वर्क होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि Redmi Note 7 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।